कितने सालों बाद आयो मामा, जब मैं छोटा था तब मिले थे। अरे याद है जब तू समर हॉलीडे के लिए मेरे पास रहने आता था, तब तू तेरी मामी और मैं हाइड एंड सीक खेलते थे। हाँ याद है, याद है, याद है। मैं घंटों तक छुपा रहता था और आप दोनों मुझे ढूंढ ही नहीं पाते थे। और याद है एक दिन हमारे घर के गार्डन में एक छोटी सी पार्टी रखी थी तेरे 5th बर्थडे के लिए। हाँ। तेरी मामी और मैं अचानक घर के अंदर चले गए थे क्योंकि आग लग गई थी। हाँ कुछ तो हुआ था, आप दोनों 1-1.5 घंटे तक बाहर ही नहीं आए थे। बेटा फायर वाली आग तो पानी से बुझ जाती है, लेकिन सीने की आग का क्या करे, क्या लग रही थी तेरी मामी उस दिन। दांत क्या फाड़ रहा है चिपकली की गांड। सुन बेटा, मैं कोई बैंक में नौकरी विक्री नहीं करता, ऐसे ही झूठ बोल रहा था। तेरी माँ को पता चलता तो फालतू के सवाल पूछती, और जवाब और गांड उतनी दो जितनी हिम्मत हो। मेरा असली काम है वसूली करने का। क्या करने का? वसूली, CID, क्राइम डीजल, मेहरबान इंडिया, कौन देखता है? मैं देखता हूँ। चल बाहर निकल, मुझे इस काम के लिए चाहिए शेरलॉक वाला दिमाग। कौन सा वाला दिमाग? शेरलॉक। बेटा तेरे दोस्त इतने नालायक कैसे हैं? एक और मौका दीजिए मामा जी, हिप्स का डीलर बन जाता हूँ। तू तोड़ बेचेगा ये अब? मामा चिप्स, वो चौ को हो बोलता है। हाँ किसी में भी दम नहीं है ये काम पूरा करने का। नालत है, नालत, लानत है वो तेरे चेहरे पे। अरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों पे क्यों डाल रहे हो? चादर है वो, घर आके भी चैन का है। वो जो स्कूल की रेस है वो असल में रिले रेस है। स्कूल वाले अपना बेटा है ट्यूशन वाले के हाथ में दे देते हैं, और वहाँ तो टीचर स्कूल से 3-4 चैप्टर आगे चल रहा है। अरे बच्चे पहले स्कूल में पढ़े फिर तेरे साथ कोप अप करे, क्या चल रहा है ये? और ये कभी कभी का नहीं है, रोज का है। ऐसे में अगर 15 मिनट दिन का सुख मिल जाता है तो तेरी क्यों जलती है बे? मिशन है, मैं जरा अपनी वाली को फोन करके बता देता हूँ, नहीं तो मेरे नाम का सर्च वारंट निकाल देगी। हाँ कविता सुनो, वो मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तुम्हारे लिए वो कढ़ी चावल बना के गया था, खा लिए थे? बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको। शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने हाथ की जरूरत पड़ी। कल रात को जो फोटो भेजी थी देखी क्या? अरे कोई नेवला झाड़ी में से नहीं झांक रहा था, वो मैंने ट्रिम नहीं किया काफी दिन से। वो सब छोड़ो, मैं शाम को बैंकॉक जा रहा हूँ, वहां से तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे होते वैसा गिफ्ट, बाय। लगती है भाई, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे दोस्तों के कमरे में सचिन, गांगुली, अजहरुद्दीन के पोस्टर होते थे, लेकिन तेरी मामी सिर्फ मेरे कमरे में आती थी क्योंकि मेरी दीवार पर राहुल द्रविड़ का फोटो होता था। वो समझ जाती थी पिच पे लंबा टिकेगा। तेरी भी तो लव लाइफ सही है। दूसरों की लव लाइफ में दिल मिलते हैं पर मेरी लव लाइफ में पलंग हिलता है। हेलो, हाँ हाँ, गहरी सांसें लो, धीरे धीरे, आराम से आराम से। यही योगा भी सिखाते हैं? नहीं नहीं, बीबी लेबर में है मेरी। मैं शर्म नहीं आती अपनी बीबी से मजदूरी कराते हुए। अरे लेबर मतलब पेट से है, प्रेग्नेंट है। फिर से? मतलब सर के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा स्टेमिना, तुझे क्या दिक्कत है? मैं सरकार इतना प्रचार कर रही है आबादी रोकने का, जगह जगह कैंपेन चल रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, इतना पढ़े लिखे होकर तुम्हें तो समझना चाहिए गवर्नमेंट का मोटो है बच्चे दो ही अच्छे हैं। जब बीवी का मूड होता है ना तो ये मोटो होटो तक नहीं आ पाता। और तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, नीचे से बहुत कंप्लेंट आ रही तुम्हारी। ये क्या तरीका स्कूल में पेश आने का? तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करके तुम स्कूल में भेजते ताकि तुम बढ़िया एजुकेशन ले सको, टीचर को तंग करते हो? ये तो फरिश्ता निकला, इन बच्चों की और शिकायत करता हूँ। और तू सुन बे चिलगोजे, बच्चों की बहुत कंप्लेंट आ रही है, स्कूल चला रखा है हिटलर कैंप, इतना सारा होमवर्क देते हो, 1 पेज नहीं 2 पेज नहीं पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाने का मन नहीं करता क्या? बच्चे करने होते हैं ना। अभी हमारे सामने ये डोनट टट्टे खा रहा है, जब दूसरे पेरेंट आएंगे उनके साथ कुछ और खाएगा, फुले चल रही है। क्लास में भी कभी समोसा आ रहा है, कभी कचौड़ी आ रही है, पेप्सी आ रही है, सारा स्कूल है कि मास्टर शेफ इंडिया, और बच्चों को खाने के लिए केवल आधा घंटा। अरे तुम्हारी रिसेस ब्रेक में बच्चे सबसे पहले पेशाब करने भागते हैं, और इतनी भीड़ में इनका नंबर आते आते 15 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं, खाएंगे कब? और संडास में साबुन क्यों नहीं है? बच्चे हाथ कैसे धोएंगे? सुन बे, अच्छा ये तेरा काम, रोज सुबह संडास में साबुन की टिक्किया रखेगा, और अगर एक भी दिन चूका तो वही टिक्किया तेरी गांड में फिट कर दूंगा। हागने बैठेगा तो पहले झाग निकलेगा, क्या निकलेगा? झाग। 50 लाख रुपए रखेगा कौन? हम। इस गीदड़ और शेर की लड़ाई में जीता कौन? हम। तुझ पे हंसेगा कौन? हम। लड़कियां गुस्से में क्या बोलती हैं? ये अच्छा नहीं किया तूने। पेन ड्राइव देके जा। ओला, तेरी बीवी ने तेरा बैग अगर खोला तो पिछवाड़े के टुकड़े कर देगी 16, फिर तू रोड पे आ जाएगा लेके झोला। चल निकल। जो आए लेके दिल में इतनी नफरत, सब के लोड़े लगाना डीटू मामा की है आदत। स्लैब से करेंगे तेरा स्वागत।
टीटू भाई। टीटू मामा, अब वापस कैसे? गाड़ी में बैठते ही पता चला कि मैं अपना फोन का चार्जर तो इधर ही भूल गया हूँ, तो लेने आ गया तेरी।